हेलो एवरीवन आज की रेसिपी मेरी पौधों में से है. आज की रेसिपी वाइट एग रेसिपी हेलो एवरीवन वेलकम टू वन रेसिपी बाय संगीता श्रीवाद प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल ये बैगन है सफेद वाले बैगन है जो मेरे पौधों में से ये उगे थे तो मैं इसको अच्छे से वॉश कर लिया इसे हम लंबे लंबे काटेंगे इस ब्रिंजौल को हमारे हमने हाँ पर्पल ब्रिंजॉल की सब्जी बहुत खाई लेकिन वाइट ब्रिंजॉल की सब्जी आज मैं एक प्लांट की सब्जी बनाने वाली हूँ सारे बैगन को लंबे इसमें काट देंगे और इसे पानी में रख देंगे क्योंकि ये तब तक नहीं तो काला हो जाएगा जब तक हम आलू और बाकी तैयारी कर रहे हैं और मैंने आलू के को भी लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिया है उसको काट कर अच्छे से वॉश कर लेना है एक पानी से अच्छे से बैगन हमें पानी में रखना है और आलू धोकर साफ निकाल सक निकाल लेना है अब मैंने पैन रख लिया है कड़े उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे तेल को गर्म होने के बाद मस्टर्ड सीड डालेंगे वन फोर्टी टी स्पून और हिंग डालने वाले हम लोग उसमें जैसे हिंग की जो खुशबू आती है ना वो बहुत अच्छी लगती है और हिंग पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छे रहते हैं मैंने अनियन लिया अनियन के स्लाइस काटा है स्लाइस में अनियन को एक अनियन को अच्छे से स्लाइस में काट लिया है ये जब तक तो लाल हो गया उसके बाद मैंने टोमेटो लिया दो बड़े टमाटर को चॉप कर कर और उसमें थम हरी मिर्ची डाल रहे ग्रीन चिली को काट कर डाल दीजिए थोड़ा तीखा सा मजेदार हम बैगन की सब्जी व्हाइट ब्रिंजौल की सब्जी बना रहे हैं फ्रेंड ये सब्जी थोड़ी यूनिक है और ब्रिंजॉल भी व्हाइट तो बहुत अलग ही है जब सॉगी हो गया उसके बाद हम उसमें हल्दी डालेंगे लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे गरम मसाला कोरिएंडर पाउडर डालेंगे और उसके बाद हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे क्योंकि नमक सबके स्वाद के, के अनुसार ही डालेंगे तो अच्छा रहता है उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ये सारे जो मसाले हैं उसको हम मस्त धीमी आंच कर लेंगे थोड़ा और उसको मिक्स कर लेंगे ये देखिए अभी अच्छे से सारे मसालों को मिक्स कर लीजिए ये बैगन का झाड़ मैंने लाया था नर्सरी से उसके बाद थोड़े दिनों में देखने लगी तो सफेद बैगन निकलने लगे तो आ, मैं भी बहुत आश्चर्य हुआ लेकिन फिर मुझे बहुत अच्छा लगा इसके बाद बाद जब हम हम सारे मसाले थोड़े हो गए उसके ग्रेटेड जिंजर डाल रहे हैं उसमें और उसको मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए हमें ढक कर रख देना है इसके उसको इससे मसाले थोड़े पक जाए अच्छे से थोड़ी देर बाद पांच मिनट बाद जब हम इसको ऊपर ये देखिए हमारा मसाले भी पक गए और उसकी खुशबू भी आने लगी है जो अदरक डाले थे और सारे मसालों का जो फ्लेवर है उसकी सारी खुशबू आ रही है अब जो हमारा ब्रिंजौल हमने जो पानी में रखा था सफेद उसको लेंगे और पानी से निकाल कर डाल देंगे हमने इसे पानी में रखा था नहीं तो बैगन क्या काले हो जाते हैं तो अगर पानी में रख रहे हैं तो बैगन काले नहीं थे बैगन और आलू दोनों डालकर उसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए इसको हम सूखे तरीके से भी बना सकते हैं लेकिन मैं यहाँ थोड़ी ग्रेवी के लिए बना रही हूँ ग्रेवी वाली बैगन की सब्जी ये देखिए ये मिक्स कर थोड़ा हमने रख दिए थे ये अच्छे से सौगी होते जा रहा है अब हम इसमें गरम पानी डाल रही हूँ मैं पानी डालना है एड करना है लेकिन मैंने गरम पानी लिया है थोड़ा जिससे सब्जी का स्वाद अच्छा हो जाता है पानी आप अपने स्वाद अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालिए मुझे ज्यादा ग्रेवी में नहीं बना रही हूँ थोड़ा कम ग्रेवी की अच्छे से सब्जी उसके ऊपर चॉप कोरिएंडर डालेंगे हम लोग धनिया तो खुशबू और जब वो धनिया साथ में पकता है तो उसका मजा ही अलग आ जाता है और अभी तो ठंडी का सीजन है धनिया भी बहुत मजेदार मिलते तो ढककर रखने के बाद ये देखिए अरे वाह जो तेल ऊपर मस्त मजेदार और ये सफेद बैगन की सब्जी आज तो मेरे घर वाले बहुत खुश हो जाने फ्रेंड्स ये रेसिपी अगर आपको कहीं भी बैगन मिलते बनाइए क्योंकि इसके स्वाद ही अलग है सफेद बैगन का जो स्वाद है वो भी बहुत टेस्टीदार है प्लीज बनाइए इसके हमें इसे हम राइस के साथ खा खा सकते हैं चपाती के साथ बनाकर खा सकते हैं देखिए मैंने चपाती के साथ अपने फैमिली मेंबर्स को सर्व किया है प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल फॉर यूनिक रेसिपीज और हर तरह की रेसिपीज के लिए थैंक यू सो मच